हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो है ही पूरे प्रदेश के, लेकिन मूल निवासी हैं मेरे ग्वालियर संभल से। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर आसीन, प्रदेश के एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रहे हो, प्रदेश के न थकने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जो रहे हैं हमारे, जिनके साथ एक संबंध मेरा रहा है, जनसेवा के पथ पर अग्रसर होने के पहले और पिछले 20 साल से निरंतर रिश्ता रहा है। केंद्र सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे विधानसभा ने जो हमारे दल का नेतृत्व करते हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिनका प्रदर्शन देखने का स्वतः मुझे सौभाग्य मिला, जिस दिन मैं विधानसभा के शिक्षा गृह में गया था, आदरणीय गोपाल भार्गव जी मंच पर आसीन, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के, बार में कहता हूं चमकते हुए चेहरे, हमारे अपने नरोत्तम मिश्रा जी जिनको मैं 84 से जानता हूं, मंच पर आसीन मेरी आदरणीय, मेरी बुजुर्ग, मेरी बुआ, मेरी आत्या, मंच पर आसीन हमारे पूर्व मंत्रीगण भूपेन्द्र सिंह जी, रामपाल सिंह जी, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, मेरे अपने धार जिले के विक्रम वर्मा जी, दिल्ली से मेरे आए हुए भाई जफर इस्लाम साहेब, मेरे सामने बैठे हुए मेरी मामी माया सिंह जी, मुरैना के मेरे रुस्तम सिंह जी, भिंड के मेरे भागीरथ प्रसाद जी, धार की मेरी रंजना भगेल जी, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी, मेरे कुशल संचालनकर्ता बंशीलाल गोलियर जी, संचालनकर्ता को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, सही है कि नहीं? अच्छा, हाथ में उठाना। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी इस राज्य
राजनीतिक दल नहीं, लेकिन देश की प्रगति और विकास की बागडोर अपने हाथ में लेने वाले भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो आज इस सम्मेलन में मौजूद है। आज मेरे लिए एक बहुत भावुक दिन है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस परिवार में जब प्रवेश के द्वार मेरे लिए खोले गए, उस समय इस परिवार के मुखिया हमारे अध्यक्ष नड्डा साहेब, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री आदरणीय अमित भाई के आशीर्वाद से प्रवेश के द्वार मेरे लिए इस परिवार में खोले गए। और मेरे लिए एक भावुक दिन है। एक भावुक दिन इसलिए है क्योंकि जिस संगठन में, जिस परिवार में मैंने 20 साल बिताए हैं, सांद्रा भैया, मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी प्रण और मेरा संकल्प के साथ एक एक पसीना का बूंद मैंने वहां छिटका है, उस सबको छोड़कर मैं अपने आप को आपके हाथों हवाले कर रहा हूं। किसी का स्वागत किया जाता है, दो तरीके के लोग हैं इस देश में। कई लोगों का मकसद राजनीति होता है, मकसद राजनीति होता है और माध्यम जनसेवा होता है। लेकिन ये मैं गर्व से कह सकता हूं, आगे हो जाओ आप, इसमें चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे सिंधिया परिवार के सदस्य मेरी दादी पूर्व राजमाता विजय राजे सिंधिया जी हो, मेरे पूज्य पिताजी, और चाहे वर्तमान सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं है, हमारा लक्ष्य जनसेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम के रूप में है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। और अगर वो हमारा रास्ता है मेरे भाई और बहनों, तो मैं मानता हूं जिंदगी में कि हमारे लिए कुर्सी, हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण कोई चीज होना चाहिए तो वो केवल दो चीज होने चाहिए, एक सम्मान, पहचान। और सम्मान और पहचान के साथ अगर आपके हृदय में मैं स्थान पा पाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मान पाऊंगा। शिवराज सिंह जी ने बहुत कुछ कहा वर्तमान के सरकार के बारे में, और इतने
इतनी रंगीन शैली में कही, इसका मुकाबला शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया का। 2018 के दिसंबर में तो मुकाबला हुआ, लेकिन आज हम लोग एक साथ। और मैंने सदैव माना है जिंदगी में दल अलग हो सकते हैं, राजनीतिक रंग अलग हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष में बैठकर भी मनभेद नहीं होना चाहिए। और विपक्ष में बैठकर भी मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि शिवराज सिंह जी ऐसा मेहनती, समर्पित और जनता के प्रति सब कुछ निछावर करने वाला मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लेकिन कार्यकर्ता शायद बिरला हो इस प्रदेश में और इस देश में। कई लोग कहेंगे कि सिंधिया जी आप तो आज ये कह रहे हो, अरे भैया थोड़ा नीचे झुक जाना, एक या दो मौके में जब हम लोग साथ में थे मैंने खुले में भी कहा है, क्योंकि मैं संकोच करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, सही को सही बताता हूं। और मैंने इसकी कई बार जिक्र की है, अगर प्रदेश में दो नेता हैं जो शायद अपने गाड़ी में एयर कंडीशन न चलाएं तो वो केवल शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। और शिवराज सिंह जी, मेरी आशा है कि आप एक हैं और हम एक हैं, और जब एक और एक मिल जाए तो दो नहीं होना चाहिए, चार होना चाहिए। अभी सुनाई नहीं दिया, सही है कि अभी सुनाई नहीं दिया, सही है कि ना? प्रदेश में जो स्थिति है मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। आपने तो बाहर से देखा है, मैं इतना ही कहूंगा अंदर से देखा, और बाहर रहकर आपको तो कटाक्ष करना ही है, अंदर रहकर आलोचना करना बड़ा मुश्किल है भैया, ठीक है कि नहीं? पर क्या करूं मैं, पर क्या करूं मैं, सिंधिया परिवार का खून है जो सही है वो सिंधिया परिवार का मुखिया सदैव बोलता है। और ये भी मैं बोल दूं, सिंधिया परिवार के मुखिया को ललकारा था 1967 में मेरी दादी को, संविध सरकार के समय में क्या हुआ, 1990 में मेरे पूज्य पिताजी के ऊपर झूठा हवाला कांड किया, उस समय क्या हुआ? और आज जब मैंने अतिथि विद्वानों की बात उठाई और किसानों की बात उठाई, और मंदसौर में जो किसानों के ऊपर केस लगी थी वापस लेने की बात उठाई, वो बात मैंने उठाई।
और मैंने कहा कि अगर इनकी मुद्दे जो वचन पत्र में हैं अगर पूरे नहीं हुए तो मुझे सड़क पे उतरना होगा। तो मुझे कहा गया उतर जाओ। मैं बोलना चाहता हूं कि जब सिंधिया परिवार को जो सत्य के पथ पर चलकर और मूल्य की राजनीति करने के लिए प्रतिबद्ध है, जब वो सिंधिया परिवार को ललकारा जाता है तो सिंधिया परिवार चुप नहीं रहता। अपने पसीने के साथ अपने पूंजी के साथ मेरी दादी ने स्थापित किया, जिस दल में 26 साल की उम्र में पहली बार जन सेवा का पथ अपनाकर मेरे पूज्य पिताजी चले, आज उसी दल में ज्योतिरादित्य सिंधिया सब छोड़कर अपना दिल लेकर आपके बीच में आया है। आज मैं केवल एक चीज लेकर आया हूं आपके लिए, और ये मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, ये विश्वास रखना मैं केवल एक चीज आपके अपने साथ लेके आया हूं, और वो है मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, यहां बैठा हुआ खड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला, एक एक नौजवान, मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि आपके दिल में स्थान पाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा। और ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां आपका एक बूंद पसीना टपकेगा वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का 100 बूंद पसीना टपका के मैं रखूंगा, और जब अगर खून की भी जरूरत होगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।